हेलो दोस्तों, आपके भी ये एरर आ रहा है कंपास एरर का, तो आप निश्चित रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये रिमूव करके दिखाऊंगा कि आपके ड्रोन में ये एरर आप कैसे हटा सकते हैं। तो मेरे पास एडवांस प्लस ड्रोन है, तो इसके अंदर ये एरर आ रहा है और आपके भी आ रहा है, तो आप निश्चित रहिए, ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। हम बारीकी से बताएंगे कि आपको इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं और अपने ड्रोन को सेफ उड़ा सकते हैं। अगर कंपास एरर आ रहा है तो आप ड्रोन को ना फ्लाई करें और इसको रिमूव करके ही फ्लाई करते, तो 2 मिनट का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो हम हटाते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ड्रोन की लोकेशन चेंज करना है आपको। जहाँ पे भी आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसकी वजह से भी कई बार ये कंपास एरर आ जाता है, तो आप ड्रोन को वहाँ पे ना उड़ाइए। तो आप दूसरी लोकेशन पे ले जाके ड्रोन को बंद करके वहाँ पे दूसरी जगह पे रख के आप ड्रोन को वापस चालू करके देखिए वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका कंपास एरर की नो टेंशन रहे, अगर फिर भी आ रहा है कि हट गया, इसके अंदर आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो, डिस्प्ले के अंदर ये आ रहा है, अब सेंसर का आ रहा है। जो मेरा आ रहा था वो कंपास एरर वो हट गया, वो लोकेशन की वजह से आ रहा था, क्योंकि बहुत ही सेटअप लगा हुआ था उसकी वजह से एरर आ रहा था। आप सबसे पहले अपनी लोकेशन को चेंज करें और लोकेशन चेंज करके देखें कि आपका एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसके बाद भी आपका एरर आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।